एनकरेजमेंट इसलिए मैं नहीं करता हूँ लोगों को, मुझे भी अवार्ड मिला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे कुमार फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उसको देखो मैं कितने लोगों का उनकी उसकी सक्सेस स्टोरी मैंने कवर किया है, उसकी एक छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर जो मैं डाला हूँ, उनके कामों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ। और उसके एवज में मुझे जो है ना एक छोटा सा मैंने काम किया उनके लिए, और मेरे लिए आज तक से लेकर के ईटीवी से लेकर के नेशनल जो दूरदर्शन है वो सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे चैनल पे सबका इंटरव्यू है, एफएम चैनल का इंटरव्यू है। मैं ज्यादा अपनी कहानी शेयर करके बस मैं चाहता हूँ कि तुम सब जो है कॉन्टेक्ट हो, आपसे कनेक्ट हो एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी और ऐसे भी, तो मैं बस शेयर कर देना चाहता हूँ। या कुछ पूछना मैं पूछ सकता हूँ, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि लास्ट है समय है। और एक चीज आप थोड़ा बता दें कि जिस विषम परिस्थिति से गुजरा आप वो चीजें नहीं बताया, मैं पर्सनली इसके बारे में जानता हूँ। और जिस वक्त उस समय तुम हो सकता है तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ 2001-2003 या हो सकते हैं, तो एक्चुअली उस समय की बात बता रहे हूँ। उस समय मेरा भी बहुत स्पीड में थे, ठीक है अच्छी बात, लेकिन जिस तरह से ये मुकाम पर पहुंचा, जितना ये गरीबी स्तर एक होता है बीपीएल, जाते हैं बीपीएल का मतलब ठीक है बिलो पुअर पॉवर्टी होता है। और आपको बता दे कि उससे भी ये मैं नीचे यहाँ तक की पढ़ाई के लिए स्पेशली प्रोग्राम इसकी भूमिका है, और आप यहाँ तक कि ये मार्केट में सब्जी भी बेचा है चूरमा चूरमा पंडित दयाल के पास, और इसके फादर मैं 3 साल का था तो देते हमारे फादर भी जब 9th क्लास में कब देते अब आपको बता रहे हैं कि ये सब बहुत इमोशन की चीज है, बहुत इजी वे में कोई बात को नहीं सोचिएगा, वो चीजें नहीं खेल गया बच्चा। और इसका ये है कि पढ़ने के लायक नहीं था, मैंने पढ़ने के लायक नहीं था, और ये बहुत ब्रेकर युद्ध है दुनिया में, जैसे 20-25 को ब्रेकर तो कोई जाति पहले ब्रेकर पर गिर के मर गया, कोई दूसरा पर गिरा, कोई तीसरा, इस सारा ब्रेकर को पार किया, इस इसकी बुलंदी सीपर नहीं बुझे कि बहुत बुलंदी वाला स्टूडेंट था। इस में कोई याद के था से सरकार संघ वाले की बात होगा, जैसे 5 सितंबर को तुम्हारे जब सेलिब्रेट करके जैसे नीचे गए बच्चे हमको दिखाई दिए, आज इसका नाम मेरे दिमाग में था और ये मिलते जुलते रहता था, इधर कंटेक्ट ये भी देखता ही होगा मेरे साथ, ये तो जानता ही होगा कि मेरा अपना काम बहुत सारा दिन हाई प्रेशर पड़ा हुआ है, वही मैं डॉक्टर बुलाया था और हम तो दिन थी हम थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा ये हो गए, 2-3 दिन हमने बोले थे 24-26 निकल दो गए क्लास दे रहे हैं। तो ये चली ये लोग का ये ऐसा डेडिकेशन करके ऐसा या जो तुम सेवा कर रहे हो समाज में वो साधारण चीज नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं, जैसे तुम्हारे पास विकट कोई समस्या है, जैसे किसी चीज से गुजर रहे हो, जैसे एक समस्या तुम्हारे पास है तो तुम उसको मजबूरी बना के अपना हथियार बना के किसी को बोलते हो हम क्या करें, मेरे पास ये समस्या वो समस्या, जबकि उस समस्या से लड़ाई करना आप नहीं सीखे, समस्या किसके पास नहीं है, आज नरेंद्र मोदी हो एक छोटा सा गांव का कोई आदमी हो, समस्या सबके पास है, लेकिन उस समस्या को निकाल लेना ही आपका दायित्व बनता है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक बच्चा है, ये सब भूमिका आज बहुत खुश है, बहुत मैंने कभी रहता था एकदम हैवी फूड नहीं जाता था, और वर्ल्ड इसका और तमन्ना है बहुत आगे ये 20 देशों के लोगों के फ्रेंड सर्कल में, और मालदीव वगैरह से रिटर्न हो गया है, ये बहुत कुछ है, लेकिन अपना नहीं कि पता वही कहा कि सर हम कुछ बच्चे लोग को बताना चाहेंगे, इस समस्या से जुझारू आदमी है इस सबके बीच खड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बस आप सब जन कनेक्ट हो और कभी डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। और कल एक मैं फिल्म देखा था सुपर 30 मुझे लगता है कि ये सब लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा था, काफी मतलब चूंकि आनंद कुमार सर से बातचीत भी हुई थी और उनके भाई जो प्रणव पिछली बार जो मैंने एक कॉन्फ्रेंस कराया था यहाँ पे कलाम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस उसको लेकर के ये ग्लोबल कार्टिंग पीस कॉन्फ्रेंस में मैं उनको इनवाइट कभी कहीं आ जाए तो वो वैसे संघर्षशील क्योंकि जिस
बहुत सारे बच्चों को देखो मैडम, उसमें जिस तरह से जो बच्चे लोग एक्चुअली मैं वैसा ही था, जो सीन देखेंगे कि कोई कूड़ा चुनने वाला कचरा चुनने वाला के लड़का है वैसा ही, क्योंकि मेरी भी कहानी सेम टू सेम वही है। और मैं तो आदम सर यही है, मेरे सब कुछ यही है, उस समय चूंकि आर्थिक सहायता कोई नहीं करता है, ध्यान रखना। और हमने सर को बताया, उसके बाद समझे सर मेरी मजबूरी को, मेरी उपस्थिति को, और इन्होंने हेल्प किया, और वह हेल्प आज मेरे लिए एक वरदान हो गई, और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो सर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं दिल से मेरे श्रद्धा और जो है हमेशा बनी रहती है। बस मुलाकात कम होती है, लेकिन जब मुलाकात हुआ तो मुझे लगा नहीं हम नहीं छोड़ूंगा सर से, मैं समय समय पे कम से कम बच्चों से कनेक्ट जरूर होऊंगा, सबको समय नहीं रहता है, लेकिन बच्चों के लिए जो काम करते हैं मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन, बच्चों के इंटरनल एनर्जी को, पावर को आगे बढ़ाने में जो मैंने सीखा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं दूंगा। तो बहुत सारी बातें हैं, आप सब यूट्यूब पे वीडियो मेरा देखेंगे, मेरे लाइव हिस्ट्री बहुत है वहां पे, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लिख ले, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख ले, और जब आप कॉल कर रहा हूँ मुझे पता है कि इसमें से 5-10 बजे मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। सब कुछ सफलता किसी का नहीं होता है, कारण वहां पर कॉम्पिटिशन कम रहता है, लोग कम रहते हैं, मानते नहीं मानते। सफलता की जो सीढ़ी होती है ना, चढ़ना सब कोई चाहता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद अनुभव कम लोग मिलते हैं। सबने बताया ना कि पहला ही ट्रिगर पे आया, दूसरा ट्रिगर पे खोलता है, कोई जाते जाते 24वीं है ब्रेकअप में कहा है वही सफल होता है, 25वां ब्रेकअप जो है ना वहां होता है। मुझे लगता है कि आप सब मिलकर करेंगे, जहां पे मेंटली डिस्टर्बेंस हो एक्चुअली, बस हमको याद कीजिए। और बहुत सारे वीडियो भी है जो आप सब देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा दिशा मिल जाएगा। बाकी जब ऑफलाइन है तो ऑनलाइन ज्यादा जाने की क्या जरूरत है, ठीक है, आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है मेरा मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई, कमेंट और जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारा अलग अलग टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा शूटिंग किया है, इतना व्यस्त के समय भी समय निकाल लेता हूँ, जब मैं जाता हूँ मलेशिया वहां से वीडियो में करता हूँ और डाल देता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई, बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया था, बच्चा का था और व्हाट्सएप नंबर है क्या, सब बोल रहा है, लेकिन बस कुछ लोग ही जो है ना मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। डबल इंजिन को फायदा हो जाए, क्योंकि डबल आए 7333, अरे कुछ बच्चा बोल फिर से बोलेंगे सर, डबल आए 7333 64 7 6। कल के बच्चे कुछ बचे, कल के कुछ बचे जो है मुझे इसी में लगा हुआ है, तुम फ्लाइट मोड में है, व्हाट्सएप नंबर से मेरे काम का फहरिस्त मिल जाएगा, मैं लगातार 10 साल आपको बता दें कि मुन्ना भाई जानते हो क्या है, जो मुन्ना भाई भाई की जरूरत है,
और सिराहा वाले हो। मुन्ना भाई आदमी भाई के भाई हो गए ना, तो भाई और ये सिलसिला काम सिला।